Assalamu alaikum students, in Pakistan's foreign policy lectures we are going to discuss about foreign policy of Pakistan post 9/11. After 9/11 incidents Pakistan ki foreign policy kya rahi, lekin isse pehle hame ye cheez zarur likhni hogi ki foreign policy Pakistan ke actually kin मैटर्स के ऊपर बेस कर रही है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक्चुअली में शेप कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे मेजर इन्फ्लुएंस जो है वो किसका है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ उसकी रीजनल सिक्योरिटी का है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है, कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, डिफरेंट इस टाइप की जो सिनेरियोज हैं वो एक्चुअली में शेप कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। की ऑब्जेक्टिव किसी भी कंट्री की अगर फॉरेन पॉलिसी का देखा जाए तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी होता है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है, उसकी रीजनल स्टेबिलिटी का, उसकी जो ग्लोबल एंगेजमेंट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप्स उस कंट्री की क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका नेबरिंग कंट्रीज के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक्चुअली में किसी भी कंट्री की या आप कह लें कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो शेप कर रही है। मीन्स के जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं वो उसकी डिप्लोमेसी होती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रहा है या उसके कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, ये चीजें जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी के आप इंस्ट्रूमेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की तमाम फॉरेन पॉलिसी जो शेप हुई ये आफ्टर 9/11 इंसिडेंट किस तरीके से अफेक्ट हुई या इसमें क्या चेंजेस पाकिस्तान को लेकर आने पड़े, उन्हें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए आफ्टर 9/11 के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई कि पाकिस्तान को जो अपने मार्जिन्स हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी के साथ जो है वो अलाय करने पड़े। ठीक है जी, कि यूएस किस तरीके से वॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहा है, पाकिस्तान को उसके साथ अलायंस करनी पड़ी अपने जो रीजनल डायनेमिक्स हैं उन्हें सेव करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान को अपना एक इमेज भी बेटर बन था एज इट वाज एक्चुअली अक्यूजिंग ऑफ इन्वॉल्विंग इट्स इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। जो 9/11 टेररिस्ट अटैक्स हुए ये डिफरेंट चीजों में मीन्स पाकिस्तान का जो इमेज है वो काफी ज्यादा मुतासर हुआ। तो इन चीजों को बेटर करने के लिए और अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को अपनी डिफरेंट जो स्टेबिलिटी है रीजनल स्टेबिलिटी अपनी कंसर्न को इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह को अपने डायनामिक्स को बेटर करने के लिए पाकिस्तान को जो है वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस रखनी पड़ी यूएसए के साथ। तो इस आउटलाइन में इस टॉपिक में आज हम इन्हीं तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है 9/11 के बाद उसमें क्या चेंजेस आए या क्या पाकिस्तान को डेवलपमेंट्स का किन डेवलपमेंट्स को फेस करना पड़ा, किस किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, पाकिस्तान को कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेल हुई। अब अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी के शिफ्ट की, आफ्टर 9/11 जो फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट हुआ मीन्स के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से अलाइन हो रही थी बट आफ्टर दिस इंसिडेंट उसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से चेंज होना पड़ा। तो अगर हम प्री पॉलिसी में देखें तो पहले पाकिस्तान का जो फोकस था मेन 9/11 इंसिडेंट से पहले कश्मीर इशू के ऊपर था, इंडिया के साथ सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान तालिबान रिजीम की अफगानिस्तान में, साथ साथ पाकिस्तान के जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके साथ काफी क्लोज टाइप थे, जो वेस्ट है उसके साथ पाकिस्तान की काफी लिमिटेड इंगेजमेंट थी। बट आफ्टर 9/11 अटैक्स जो अलकायदा की तरफ से अटैक हुए थे यूएस में, तो इसमें यूएस ने डिमांड की पाकिस्तान से फॉर कॉपरेशन इन वॉर एंड टेरर। अब पाकिस्तान को जो अपनी जो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, उसका जो इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान की तरफ, इसकी वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी कि पाकिस्तान इस वॉर एंड टेरर में जो है वो यूएस का साथ दे। इसके साथ साथ जो डिफरेंट अलायंस वगैरह की डिमांड थी, कॉपरेशन चाहिए था पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग में, मिलिट्री ऑपरेशन में, पाकिस्तान का जो सपोर्ट था पहले तालिबान के साथ, जो तालिबान अफगान रिजिम्स के साथ पाकिस्तान की तालिबान रिजिम्स के साथ सपोर्टिंग चल रही थी वो चीज फॉरन शिफ्ट करनी पड़ी टू अपोज एक्सट्रीमिज्म। और पाकिस्तान के जो वेस्ट के साथ रिलेशनशिप्स थे यूएस और यूके के वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए और पाकिस्तान को अपनी जो प्रीवियस पॉलिसी थी उस तमाम चीजों को काफी पॉइंट्स पे जो है वो शिफ्ट करना पड़ा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यूएस की जो वॉर ऑन टेरर थी वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और इसका एक्चुअली में ग्लोबल फोकस था काउंटर टेररिज्म पे। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना था तो प्रिजर्व इट्स ग्लोबल इमेज। जियो पोलिटिकली अलाइनमेंट की बात की जाए तो जो नीड थी कॉपरेशन की टेररिज्म के अगेंस्ट, अलायंसेस को रीशेप करने की, डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज थी वर्ल्ड वाइड, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान को फोकस करनी थी। पाकिस्तान का शिफ्ट हुआ फॉरन पॉलिसी का। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजिशन को अगर हम देखें
पाकिस्तान एज अ फ्रंटलाइन स्टेट, पाकिस्तान लोकेशन जैसे अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि इसकी जो लोकेशन है एक्चुअली में पाकिस्तान की लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसे एक क्रिटिकल पार्टनर बना रही थी वॉर ऑन टेरर में, तो और ये चीज इसके जो फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस हैं उन्हें पाकिस्तान को मूव करना पड़ा और काफी जो है वो डिप्लोमेटिक डिसीजंस जो है वो लेने पड़े। बैलेंसिंग रिलेशंस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो बैलेंस अलायंस के साथ यूएस के साथ मैनेजिंग रिलेशनशिप विद रीजनल नेबर्स एंड अदर ग्लोबल पार्ट्स, तो ये भी पाकिस्तान को एक बैलेंस रिलेशनशिप रखना था कि पाकिस्तान का जो यूएस के साथ भी अलायंस रहे लेकिन इसके साथ साथ जो उसके रीजनल नेबर्स हैं या दूसरी ग्लोबल पार्ट्स हैं उनके साथ भी पाकिस्तान का एक बैलेंस रिलेशनशिप कायम रहे। की चैलेंजेस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या फेस करने पड़े, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान को कि जब टाइज स्ट्रॉन्ग हुए यूएस के साथ और पाकिस्तान ने अलायंस की वॉर ऑन टेरर पे, पाकिस्तान बिकम मेजर नॉन नेटो एली ऑफ द यूएस, तो पाकिस्तान जो है वो की चेंज क्या आया कि नॉन नेटो एली बन गया यूएस का, और साथ साथ पाकिस्तान ने जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किए मिलिट्री ऑपरेशंस में अफगानिस्तान में और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में, लॉजिस्टिकल इंटेलिजेंस सपोर्ट मिली पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फैसिलिटेटेड यूएस ऑपरेशंस बाय ऑफरिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, पाकिस्तान ने अपनी जो इंटेलिजेंस थी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी ये तमाम चीजें यूएस को प्रोवाइड की टू फैसिलिटेट यूएस इन वॉर एंड टेरर। इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड की अगर बात की जाए तो यूएस असिस्टेंट पाकिस्तान में जो है वो एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक और मिलिट्री एड मिली पाकिस्तान को यूएस की तरफ से, और इसका जो एम था कि ये तमाम चीजें बोस्टर करेंगी काउंटर टेररिज्म को और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है इन्हें बूस्टअप किया जाएगा अगेंस्ट टेररिज्म को। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इसका क्या मिला, जो अलायंस था यूएस एंड पाकिस्तान का इसने प्रोवाइड किया पाकिस्तान को विद एक्सेस टू एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पाकिस्तान की मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट हासिल हुई विद दिस स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिला विद दिस अलायंस ऑफ यूएस एंड पाकिस्तान। रिलेशन विद अफगानिस्तान की बात करें, काउंटर टेररिज्म एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जब इन्वॉल्वमेंट रही काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में तो क्या हुआ कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर था पाकिस्तान का, ठीक है जी बॉर्डर है, तो ये चीज मेजर फोकस था पाकिस्तान के साथ और इनके दरमियान के जो ड्यूरिंग लाइन इश्यू है वो ज्यादा सीवियर ना हो और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी और स्मगलिंग वगैरह अंडर कंट्रोल रहे और जो है एक मेन फोकस बन गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। सपोर्ट फॉर अफगान तालिबान, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद अफगान तालिबान वॉज अ कॉन्टेंशियस इशूज इम्पेक्टेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यूएस एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप था अफगान तालिबान के साथ ठीक है जी वो एक मेजर इशू रहा इम्पैक्टिंग इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यूएस एंड अफगानिस्तान, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था दोनों कंट्रीज के साथ ये चीज काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रही थी बिकॉज अब आफ्टर दिस इंसिडेंट जो यूएस है वो अगेंस्ट हो गया था अफगानिस्तान के, और पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री है तो पाकिस्तान के उसके साथ जो है वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को इन दोनों चीजों को मेंटेन करना थोड़ी सी एक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान ने चेंजिंग इस तरह से किए कि पाकिस्तान के दोनों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिप्लोमेटिक रहे और कंटिन्यू रहे। पीस इनिशिएटिव्स, फैसिलिटेशन ऑफ पीस टॉक्स, पाकिस्तान प्लेड अ रोल इन फैसिलिटेटिंग पीस नेगोशिएशंस बिटवीन द यूएस एंड द अफगान तालिबान लीडिंग टू द दोहा एग्रीमेंट इन 2020। जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था ये दोहा एग्रीमेंट को अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में 29 February में जो है ये हुआ था, ये एक्चुअली में 29 February 2020 को इसकी जो है वो साइन किया गया था बिटवीन अफगानिस्तान एंड यूएसए। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान जो दोहा एग्रीमेंट था ये बेसिकली एक पीस ब्रिंगिंग एग्रीमेंट था अफगानिस्तान और यूएसए के दरमियान में, और इसको जो मेन लीड थी एक्चुअली में ये थी पाकिस्तान जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में एक पीसफुल रिलेशनशिप के एग्रीमेंट के ऊपर। जो की प्रोविजन थे एक्चुअली में ये इसलिए इंपॉर्टेंस है ज्यादा कि इसमें सबसे पहला की प्रोविजन था कि यूएस ट्रूप जो है यूएस ट्रूप्स का विद्रॉल होगा अफगानिस्तान से, यूएसए अपनी तमाम अफवाज को जो वहां से वापस बुला लेगा, जो तालिबान की कमिटमेंट्स थी उसमें ये था कि वो वायलेंस को रिड्यूस करेंगे, जो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ अफगानिस्तान के टाइज हैं अलकायदा आईएसआईएस तो इनके साथ ही अपने अफगान तालिबान जो अपने टाइज ब्रेक करेंगे,
तो ये तमाम चीजें जो है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीज फायर की तरफ जो है वो एक ग्रेजुअल और कंडीशनल जो है वो सीज फायर हो जाएगा। तो इस एग्रीमेंट में जो मेन रोल प्ले किया था इनकी पीस टॉक्स में वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। अब अगर हम बात करें रिकैलिब्रेटिंग रिलेशंस विद इंडिया पोस्ट 9/11 टेंशन के, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट थे सबसे पहले, जो कश्मीर डिस्प्यूट था वो कंटिन्यू था, मेजर सोर्स ऑफ टेंशन विद स्पॉटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस इनिशिएटिव्स, उसी तरीके से कांड था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इश्यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड मिलिटेंट अटैक्स फर्दर स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। अब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थे या मिलिटेंट अटैक्स वगैरह थे और पाकिस्तान के ऊपर जो 9/11 के बाद एक टेररिज्म टाइप का एक जो एक्यूजेशन हो गई थी, तो इस चीज ने जो रिलेशंस थे पाकिस्तान के इंडिया के साथ उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया था। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की अगर बात करें, जो पीस एफर्ट्स हुई इन तमाम टेंशन के बावजूद, जो कुछ एफर्ट्स थी डायलॉग में एंगेज करने के लिए, एक आगरा समिट जो 2001 में साइन हुआ, इसके डिफरेंट वेरियस राउंड हुए और इसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की गई, ताकि ये इसलिए किया गया था कि डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्शन है उसे एक पूर्ण तरीके से खत्ते के अंदर जो उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। अनलकीली इसका कोई खास जो रिस्पांस है वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर के ऊपर काफी ज्यादा इश्यूज थे, काफी ज्यादा डिफरेंट स्टेटस था दोनों का, कश्मीर इश्यू के ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे, और इंडिया की जो है वो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट थी काउंटर टेररिज्म के साथ, उसके साथ इंडिया ऑलमोस्ट उसको डिनाई ही कर रहा था, वो इंसिस्टेंस थे, इसके साथ पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मेडिटेशन है कश्मीर की, ये तमाम चीजें एक्चुअली में इसके ऊपर थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट दिया कि ये इम्प्लीमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन ये कि ये एक अच्छा स्टेप लिया गया था उस टाइम पर, जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे वाजपेयी साहब और पाकिस्तान में जो है वो प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ थे, 14 to 16 जुलाई में जो है ऑलमोस्ट 2001 में इनका ये आगरा समिट जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, जो एक समिट नहीं कह सकते आप, ये मीटिंग कह सकते हैं कि ये एक मीटिंग हेल्ड हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में। स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें अब यहाँ पर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इकोनॉमिक मिलिट्री टाइज हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान डेवलप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, चाइना के साथ काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही पाकिस्तान की, और जो फोकस था वो था सारा इकोनॉमिक ऑपरेशन के ऊपर और डिफेंस कोलैबोरेशन के ऊपर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक एक पहला कॉर्नरस्टोन था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तरफ, एनहेंस किया था इसने पाकिस्तान के इकोनॉमिक टाइज के ऊपर, और रीजनल कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तान की तरफ, इसने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्टर किया, और चाइना ने काफी सिग्निफिकेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। रीजनल एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, तो सेंट्रल एशिया की तरह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी या एंगेजमेंट किस तरह के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है पाकिस्तान का, डिफरेंट जो इकोनॉमिक टाइज थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, लेवर्जिंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज ए ट्रेड रूट के तौर पर सी पैक ने यह बेनिफिट पाकिस्तान को काफी दिया, और इससे पाकिस्तान का जो सेंट्रल एशिया के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ट्रेड रूट है, वो काफी ज्यादा जो है वो इलेबोरेट हुआ। रीजनल कनेक्टिविटी की अगर बात करें, इनिशिएटिव लाइक द तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया तापी पाइपलाइन एंड एट प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड ट्रेड ड्रिंक्स, तो ये भी रीजनल कनेक्टिविटी का बायस बने। रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के क्या रहे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिली पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने जो अपना एक स्ट्रॉन्ग टाई बनाए रखा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के साथ, और जो कलेक्टिव एक्शन था लाइक पैलेस्टाइन इशू है, कश्मीर इशूज के ऊपर पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देता रहा। इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए, तो पार्टिसिपेशन पाकिस्तान के जो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस में रही उसने भी काफी ज्यादा एक टाइज को स्ट्रेंथन अप किया, और क्योंकि ये कॉमन कंसर्न की बात थी तो इसमें ही पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन एक्टिव रही। इंपैक्ट ऑफ पोस्ट 9/11 पॉलिसी चेंजेस, ठीक है जी, अब पॉलिसी चेंजेस में का इंपैक्ट क्या रहा, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, राइज इन टेररिज्म, पाकिस्तान एक काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी में पार्ट कर रहा था, वॉर एंड टेरर के में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन इस चीज ने पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान के अपने मुल्क रीजन में जो टेररिज्म का राइज हुआ उस चीज ने काफी ज्यादा अफेक्ट किया पाकिस्तान को। जो डोमेस्टिक टेररिज्म है और एक्सट्रीमिज्म है वो एज ए कॉन्सिक्वेंस या उसके वॉर ऑन टेरर के नतज के तौर पर पाकिस्तान को जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज को काफी ज्यादा भुगतना पड़ा, और काफी ज्यादा एक्सट्रीम नतज जो है कॉन्सिक्वेंसेज पाकिस्तान को फेस करने पड़े। मिलिट्री ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो मेजर मिलिट्री ऑपरेशन फाटा में हुए और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में, एंड काउंटर टेररिज्म एंड मिलिटेंसी,
ठीक है जो काउंटर टेररिज्म के तौर पर इमरजेंसी के तौर पर कुछ जो है वो एक्ट्स किए गए। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की अगर बात करें, इकोनॉमिक एड एंड इन्वेस्टमेंट, तो यूएसए पाकिस्तान को काफी ज्यादा यूएस की तरफ से मिली सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एड फ्रॉम द यूएस। इट वॉज ऑफन ऑफसेट बाय द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टेररिज्म एंड इंस्टेबिलिटी, लेकिन ये मोस्टली जो ऑफसेट थी जो काउंटर टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी वगैरह की कॉस्ट पर ही ये चीजें मिली पाकिस्तान के अंदर। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो गई, टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी और एट द कॉस्ट ऑफ दिस पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड मिल रही थी। सी पैक बेनिफिट्स को अगर देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर सी पैक के थ्रू, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में पाकिस्तान का यूएस के साथ कैसा रिलेशन रहा, स्ट्रेन टाइज इश्यूज सच एज ड्रोन स्ट्राइक्स एंड अब्दाबाद रेड, स्ट्रेन रिलेशन डिस्पाइट स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। अब पाकिस्तान का यूएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन चल रहा था, पाकिस्तान वॉज एक्चुअली सपोर्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ वॉर एंड टेरर विद यूएस, बट इनके दरमियान जो टाइज है वो काफी ज्यादा स्ट्रेन हो गए, काफी ज्यादा एक टेंशन क्रिएट हो रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दोज ड्रोन स्ट्राइक्स जो यूएस की तरफ से कंटिन्यूसली फाटा रीजन में, और यहाँ पे जो ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे थे पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं वो उन्हें काफी ज्यादा हार्म हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इसके साथ साथ जो अब्दाबाद रेड की गई थी, ये तमाम चीजें पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान और यूएसए के जो रिलेशनशिप्स थे उनमें काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रही थी। ठीक है जी, शिफ्टिंग डायनेमिक्स, चेंजिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी फोकस इंक्लूडिंग द पिवोटेशन एंड स्टडी कंपटीशन विद चाइना। ठीक है जी, जो डायनेमिक्स है वो शिफ्ट हो रहे थे बिकॉज के यूएस का फॉरेन पॉलिसी का फोकस चेंज था और जो स्ट्रेटेजी कंपटीशन है चाइना के साथ वो डिफरेंस था, पाकिस्तान का डिफरेंस था, तो ये चीजें जो डायनामिक्स है वो काफी ज्यादा उनको शिफ्ट कर रही थी। रीजनल डिप्लोमेसी की अगर बात करें हम, तो जो पाकिस्तान का रिलेशन था एज ए रीजनल कंट्री, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री चाइना के साथ जो एक रीजनल डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ इंक्रीज हुई और जो रीजनल पावर के साथ रिलेशंस थे वो पाकिस्तान के काफी ज्यादा बैलेंस हुए। चैलेंजेस विद इंडिया के साथ जो चैलेंज थे, परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिप्लोमेटिक चेंजेस, कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो परसिस्टेंट रहे, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस डिफरेंट का सामना करना पड़ा। करंट एंड फ्यूचर डायरेक्शंस को अगर हम देखें तो एडजस्टिंग टू चेंज इन ग्लोबल डायनेमिक्स, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट क्या है कि पाकिस्तान जो है वो अपना जो उसका शिफ्टिंग थी ग्लोबल अलायंसेस की तरफ उसको नेविगेट कर रहा है और एज ए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो इसके इमर्ज हो रहे हैं, जो यूएस चाइना राइवलरी चल रही है, रीजनल पावर ऑफ डायनेमिक्स है, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान का जो उसकी स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है उसको भी अफेक्ट कर रही है। पाकिस्तान के जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहे हैं और कुछ डायनेमिक्स से पाकिस्तान अपनी जो वो रीअलाइन कर रहा है। फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, एम्फेसिस ऑन डिवर्जिंग सीपैक एंड अदर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स टू ड्राइव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान का फोकस जो है वो ज्यादा सीपैक के ऊपर है और दूसरे इनिशिएटिव्स के ऊपर, ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी जो है वो कंट्री की इंक्रीज हो जाए। एड्रेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी के अगर देखें तो पाकिस्तान का जो फोकस है वो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर ही है स्टिल, और ये साथ ही साथ जो है वो एड्रेस कर रही है जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको भी। रीजनल स्टेबिलिटी एफर्ट्स टू एनहेंस रीजनल स्टेबिलिटी थ्रू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कॉपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यूड हैं, नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रहे और कॉपरेशन बिल्डअप रहे। डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक बैलेंस, बैलेंसिंग अलायंस रहे, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन रिलेशंस विद द यूएस चाइना एंड अदर रीजनल पार्ट्स टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी के लिए, तो एक बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो यूएस के साथ भी और चाइना के साथ भी, डिस्पाइट द राइवलरी बिटवीन दीज टू यूएस एंड चाइना, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन रीजनल पावर्स के दरमियान एक बैलेंस रिलेशनशिप रखना है, अपना रिलेशन अपना अलायंस जो बेहतर रखना है बिकॉज ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट टू अवॉइड द राइवलरी ऑफ दीज एंड टू कंटिन्यू एंड मेंटेन द डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक बैलेंस। रीजनल इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो प्रमोटिंग रीजनल इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान पोजीशन इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड, जो रीजनल इंटीग्रेशन है या कॉपरेशन है पाकिस्तान की पोजीशन का साउथ एशिया के साथ और बाकी इनके साथ, इस चीज को पाकिस्तान का यही टारगेट है कि इनके साथ अपना जो कॉपरेशन है इंटीग्रेशन है उसको बैलेंस रखे और उसको जो है वो कॉपरेशन उसको प्रमोट करे। ठीक है जी, अब अगर हम इस टॉपिक का अपना कंक्लूजन की बात करें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शेप हुई ग्लोबल वॉर एंड टेरर की वजह से, काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स में,
जो टाइज थे पाकिस्तान के यूएस और चाइना के साथ काफी ज्यादा स्ट्रेंथन अप हुए, रीजनल रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स स्थिति का शिकार रहा, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इन शिफ्टिंग ग्लोबल डायनेमिक्स और डोमेस्टिक चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा इवॉल्वमेंट हुई, काफी चेंजेस करनी पड़ी। अब ये तमाम चेंजेस वगैरह आपको स्टडी करनी है, रिलेशनशिप क्या रहे, हिस्टोरिकल सिनेरियो क्या रहा, कौन सा समिट था, कौन से एग्रीमेंट थे, क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करना पड़ा, आपने पाकिस्तान को जो है वो अलायंस जो है वो अलाइनमेंट जो है वो चेंज करनी पड़ी, रीअलाइनमेंट करनी पड़ी अपनी ग्लोबल जो बेनिफिट थे, ग्लोबल सिनेरियोस थे, ये आपको एक आउटलाइन इस टॉपिक में प्रोवाइड हो गई है। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर पेपर, अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।